हे गाइस, दिस इज जैन। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में नौकरी जॉब। तो गाइस, अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी टच कर लें। उससे हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और आपके पास में हम लोग का जो वीडियो होता है वो जब हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है। ये बात आपको पता है, ठीक है ना? तो शेयर जरूर कर लें, शेयर करने का पैसा नहीं लगता है। लाइक और कमेंट्स, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा, रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फ्री जॉब, कंपनी रहना खाना फ्री के साथ में फ्लिपकार्ट अमेजोन। काम क्या रहेगा? डिलीवरी करना रहेगा, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल। आजकल का जो तो नया नया वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेम्पो आता है तीन पहिए वाला, उसमें आपको डिलीवरी का काम रहेगा। आपका कौन सा भी एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा, प्लस आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि इतने घंटे में इतने पार्सल डिलीवर्ड करना है। अगर आपके पास फोर व्हीलर थ्री व्हीलर का लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास LL है उसका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी आपको उसमें देता है। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक और चार फोटो। लैंग्वेज हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु कुछ भी, लेकिन इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। जो पार्सल के ऊपर एड्रेस वगैरह जो रहता है वो इंग्लिश में रहता है, उसको समझना, कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, वो सब समझना। तो इसमें बाहर वाला भी कर सकता है। अब एक्चुअल क्या है कि पिछले भी एक वीडियो में किसी ने कमेंट्स किया था कि आउट ऑफ स्टेशन वाले सर इस जॉब को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो लोकेशन नया होता है। यस आई नो, बट आज के टाइम में गूगल मैप जो रहता है ना वो सब कुछ सिखा देता है। उसमें आपको एक कौन सा भी जो कंपनी से लोकेशन आता है, लोकेशन डालेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता कैसे जाता है, कहाँ जाता है, वो सब कुछ समझा देता है। तो लोकेशन का आपको कुछ टेंशन नहीं लेना कि सर मैं बाहर का आदमी हूँ और यहाँ एरिया जानता नहीं हूँ और कैसे करूँगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एक 15-20 दिन किसी एक ड्राइवर के साथ में भेजा जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद में आपको एक अलग से पर्सनल व्हीकल दी जाएगी, आपको एक एरिया दिया जाएगा। सैलरी प्लस अकोमोडेशन 15,000 स्टार्टिंग सैलरी, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री। ड्यूटी आवर्स सुबह 9 बजे से लगाकर आपका जो पार्सल का टाइमिंग रहता है, वैसे जनरली 8 घंटा 9 घंटा ही रहता, लेकिन कंपनी कभी कुछ टारगेट एक्स्ट्रा दे देती है तो उसको कंप्लीट करके जाना होता है, तो एक 10 घंटा मान के चल लीजिए उसमें जो है आपका टारगेट रहता है। अगर कोई लोकल वाला बंदा है कि चाहता है कि सर मेरे पास रूम है, खाना पीना भी मैं कर लूंगा, तो मेरी क्या सैलरी रहेगी, तो उस कैंडिडेट्स के लिए सैलरी अबो 15, आप उसका जो 18 मान लीजिए या 20 मान लीजिए। अगर बंदे को इंग्लिश आता है थोड़ा बहुत और एरिया का नॉलेज है तो आप आइए हमारे ऑफिस, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, आफ्टर वेरिफिकेशन जो है आपको थोड़ा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगेन गाइस, कि आप कभी भी जो है ना सैलरी देख के कॉल मत कीजिए। दूसरा बात यह है कि कभी भी जो है ना आप आने से पहले एक बार कंफर्मेशन जरूर कर दीजिए, सर हम इस काम के लिए आ रहे हैं, आज बैठ रहे हैं ट्रेन में। काफी सारे मैं जो है देख रहा हूँ, मैं मतलब इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो वहां से बैठ जाते हैं, सर मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, मेरे लिए काम है क्या, सर मैं मजेस्टिक में हूँ, मेरे लिए काम है क्या। तो गाइस, ऐसे कोई काम नहीं मिलता यार। हम लोगों का कोई जो ये ईटा चूने पत्थर का काम नहीं है कि जो आज 6 मजदूर हो गया कल 12 भी चलेगा या फिर 3 चलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास एक फिक्स रहता है कि चलो उस रेस्टोरेंट पे या फिर उस जगह में या फिर उस कंपनी में 6 आदमी भेजना, तो वो सब फिक्स रहता है पहले से ही। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कोई भी काम को आते ना तो पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कि सर मैं उस काम के लिए आना चाहता हूँ, मेरे लिए रेडी है, मैं इस तरीके को बैठूंगा, तो उस आदमी के लिए वो काम फाइनलाइज। दूसरा ये कि गाइस, कभी भी जो है ना आप अपने साथ में एक सफिशियंट फंड लेके आइए, 1500-2000 रुपए लेके आइए। हम लोगों के पास ज्वाइनिंग चार्ज नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं लेके आए। एक पिछले 2-3 टाइम से मैं ही अपनी जेब से जो है कैंडिडेट्स को पैसे दे रहा हूँ, किसी को 500, किसी को, सर मैं रास्ते में हूँ, ट्रेन में हूँ, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, सर मैं वहां पे हूँ, मेरे पास थोड़ा पैसा डाल दीजिए। तो ऐसा कोई पैसा नहीं डालता यार, उल्टा तो छोड़ो हम लोग फ्री जॉब देते हैं यार। काफी सारी ऐसी कंपनी जो आपसे उल्टा पैसा लेती है 3-3, 4-4 हजार का। अगर आप उनको बोलेंगे ना सर मैं रास्ते में हूँ, 500 रुपये डाल दीजिए, वो तो डालने का छोड़ ही दीजिए। क्या वो मतलब
ऐसा बोलना ही नहीं उनके सामने, वो सीधा कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपसे ज्वाइनिंग फी जो चार्ज नहीं लेते, हम आपसे जो है कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही उठ के आ जाए यार। एटलीस्ट आप 1,000 2,000 3,000 जेब में लेके आइए, ताकि आपके सेफ्टी के लिए। आप मान लो, मैं हमारी कंपनी एक्चुअल में होता क्या है कि किसी को कहीं का लोकेशन भेजता, तो वो बंदा घूमता घूमता पता नहीं कहाँ चला जाता, फिर वहां से जाके फोन करता। और ये हुआ है 2-4 बार, ऐसा हुआ है लोकेशन और उस कैंडिडेट्स को मिलता कहीं और का, वो पहुंच जाता कहीं और है, फिर वहां जाके फोन करता, सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे जो पैसा भेजिए। अब उस कंडीशन में क्या होता पता है, हम उसकी हेल्प नहीं करें तो भी अच्छा नहीं है, वो ही बंदा आके फिर कमेंट्स करेगा, या फिर किसी दूसरी कंपनी में जाके हम लोग की बुराई करेगा, और वो कंपनी ऐसी है, घटिया है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या, खुद का फॉल्ट नहीं दिखता उसमें। तो मैं इतना सारा लंबा चौड़ा जो आपको सुनाने मतलब बोलने का एक ट्राई कर रहा हूँ, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ गाइस। हमारे पास, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फ्री जॉब रहती है, तो इसका मतलब ये कि यार काम आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आप भी तो अपने बजट का कुछ लेके आई है अपने खर्चे के लिए। हम लोगों को नहीं चाहिए आपका पैसा। तो फ्रेंड्स, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, प्लस हमेशा टाइमिंग का ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे ही कॉल कर रहे, रात के 2 बजे फोन करके कैंडिडेट्स बोलता है कि हाँ सर बताइए क्या है, कौन सा जॉब है, रात के 2 बजे क्या बताऊं मैं उसको, ऐसा नहीं करेगा इस। आप टाइमिंग का फॉलोअप करें, आपको सही जॉब मिलता है, एग्जैक्ट जॉब मिलता है, प्लस जेन्युइन जॉब मिलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल आप लोगों के लिए जॉब वीडियो पसंद आया है तो शेयर और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। ईवी व्हीकल का जो फील्ड वर्क रहेगा, ये फील्ड में जाकर डिलीवरी देना रहेगा, प्लस उसी को ड्राइविंग करना रहेगा, 15,000 प्लस खाना पीना रूम सभी फ्री रहेगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ का है उसके लिए 15 से 20 हज़ार सैलरी रहेगा, प्लस अच्छा इंसेंटिव रहेगा। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर रहेगा, कंपनी कौन सा लोकेशन फिक्स करती है उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट पूरा करके उसको अचीव करके देना रहेगा। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो गाइस जल्द से अप्लाई करें, लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड सीट्स है आप लोगों के लिए। 6 महीने पुराना वीडियो देख के मत कॉल कीजिए, सर आपने जो है उस वीडियो में बोला था और आप बोल रहे काम ही नहीं है, तो ऐसा मेरे पास नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी कभी भी जो है एक एक जो है जॉब 6-6 महीना लेकर नहीं चलती है, जहां मैं देखता हूँ ना दूसरे जो है कंपनी जो है अगेन उसी वीडियो को अपलोड करती रहती है, ऐसा यहाँ नहीं होता। एक बार हो गया फुल तो हो गया, वो वीडियो देखने को भी नहीं मिलेगा ना वो जॉब देखने को मिलेगी। तो गाइस आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि पहली बार तो टाइमिंग का फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट आपसे कि 10 से 5 ही कॉल कीजिए, सैटरडे संडे मत कॉल कीजिए। इसके अलावा अगर मान लो आपको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे सैटरडे संडे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फॉलोअप लेती है। दूसरा है कि आप यहाँ वहाँ का वीडियो देख के यहाँ कमेंट्स नहीं करें। तीसरी बात ये कि आप कुछ घर से निकला तो कुछ पैसा लेके निकलिए आपकी सेफ्टी के लिए। तो गाइस कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, हम हाजिर होते हैं कुछ एक और नई जॉब अपडेट्स के साथ में, सब भी फ्री जॉब के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।